कर की। बेशुमार था ईमानदार था बहुत बीवी भी नेक थी छोटी सी उस गरीब पे बेटी भी एक थी मेहनत मजूरी करता था रोटी के वास्ते किस्मत से उस पे बंद थे खुशियों के रास्ते हालात इतने तंग थे मुश्किल थी जिंदगी फाके भी घर में होते थे उसके कभी कभी ऐसे में चांद आया जब रमजान का नजर बस्ती में दौड़ने लगी खुशियों की एक लहर बच्चे बड़े महल्ले के खुशियों में चूर थे लेकिन खुशी न घर में रखने की जब घर में बात की बेटी ये उस मजूर की कहने लगी तभी रोजा रखूंगी अम्मी मैं सहरी में उठाना रोजा रखूंगी अम्मी मैं सहरी में उठाना रोजा रखूंगी अम्मी मैं सहरी में उठाना खाना तुम अपने साथ में मुझको भी खिलाना सभी समझाया माने बाप ने मानी न लाडली नादान रोजा रखने की जिद पे अड़ी रही सहरी का वक्त जब हुआ बेदार हो गई बच्ची वो रोजा रखने को तैयार हो गई सहरी की सबने शान से शुक्रे खुदा किया माँ बाप बेटी तीनों ने फिर रोजा रख लिया पर दिल में था मला लिए बस उस गरीब के पैसे नहीं थे पास कुछ उस बदनसीब के रोजा रखा है बेटी ने ये पहली मर्तबा गुजरेगा माह रमजान और जब ईद आएगी क्या होगा बेटी जब नए कपड़े न पाएगी खोया था इस ख्याल में चेहरा उदास था था इस गम से उस गरीब का दिल पाश प
मुश्किल है जरा सी, अल्लाह कारसाज है हम दूर करेगा, रहमत से अपनी वो हमें मसरूर करेगा, अल्लाह रोजी दे तुम्हें मुश्किल तमाम हो, अपने भी घर में ईद का कुछ इंतजाम हो, मजदूरी करने शहर में फिर घर से वो गया, पर काम कोई ना मिला मायूस हो गया, मजदूरी ना मिली थी वो अफसुरदा था बड़ा, रास्ते में एक कार से टकरा के गिर पड़ा, गहरी लगी थी चोट कुछ सर में गरीब के, गर्दिश में और दिन गए उस बदनसीब के, बेहोश हो गया था वो किस्मत की मार से, देखा निकल के उसको फिर मालिक ने कार के, वो जल्द लेके पहुंचा उसे अस्पताल में, ऐसे हाल में मिल जाए ताकि उसको शिफा, ऐसे हाल में मिल जाए ताकि उसको शिफा, ऐसे हाल में। जब डाक करने देखा है, जो उसको लेके आया था वो मालदार था, उसका शहर में काफी बड़ा कारोबार था, कुदरत ने नवाजा था उसे आन बान से, मुफलिस की मदद करता था दिल और जान से, खुद उसने उस गरीब की बीमारदारी की, मजदूर आया होश में कुछ देर में, तभी देखा जो खुद को ऐसे में घबरा गया था वो, जाना था कहां और कहां पर आ गया था वो, समझाने लगा ऐसे में वो सेठ फिर उसे, बोला गरीब जाने दो घर जाना है मुझे, छोटी सी बच्ची घर में मेरे रोजादार है, उसका ख्याल मुझको है दिल बेकरार है, घर में नहीं है कुछ भी मेरे शाम के लिए, निकला था इसी वास्ते मैं काम के लिए, करना है इंतजाम
समझना तुम इसमें कोई मेरा। ढलती है गम की रात तो आता है सवेरा। लेकर के पता उससे वो जा पहुंचा उसके घर। सामान खाने पीने का बीवी को पेश कर। बोला वो सेठ भेजा है शौहर ने आपके। बेटी समझना मुझको बराबर तू बाप के। बच्ची को उसकी सेठ ने सीने से लगाया। तन्हा नहीं है वो उसे एहसास दिलाया। लेकिन उदास बीवी थी शौहर को सोच कर। जाने लगा वो सेठ तो पूछा ये रोक कर। बोली जनाब राज से पर्दा उठाइए। साथ ले गया वो छुट्टी करा कर। पहले लगाया सेठ ने मजलूम को गले। फिर उससे कहा लगते हो इंसान तुम भले। रो रो के उसको सेठ ने सब हाल सुनाया। माजी में जो हुआ था वो सब उसको बताया। बोला के एक बेटा था थी उसमें खराबी। दौलत पे मेरी फूल के बन बैठा शराबी। कुछ रोज पहले कुछ वो दुनिया से कर गया। नादान ज्यादा पीने की ख्वाहिश में मर गया। मैं चाहता हूँ साथ मेरे तुम सदा रहो। हर किस
ना मैं ये आपका ऐसा भुलाऊंगा, जो भी कहेंगे आप वो मैं करता जाऊंगा। ये सुन के सेठ खुश हुआ, घर उसके फिर गया, बीवी को सब बता दिया, गुजरा जो हादसा। बोला के मैंने इसलिए तब सच नहीं कहा, हो जाए ना तुम्हें कहीं सदमा कोई बड़ा। फिर सारी बात बीवी को शौहर ने बताई, बोला के अपनी सेठ ने तकदीर बनाई, एहसान हम पे कर दिया अपना बना लिया, नादार मुझ गरीब को दिल से लगा लिया। मुश्किल है बहुत इनका ये एहसान चुकाना, के अब देखता था वो। ईमानदार था बहुत, हक पे फिदा था वो, रब के करम से गम का हर तूफान ठहर गया। रमजान मुबारक का महीना गुजर गया, अल्लाह ने सिला उन्हें रमजान का दिया, रहमत से उनको अपनी बहुत सुरखरू किया। खुश हो के सबने दोस्तों फिर ईद मनाई, यूं रब ने उस गरीब की किस्मत थी जगाई। बरकत का महीना है ये रमजान मुबारक, होती है इसमें मोमिनों अल्लाह की रहमत। हमें अल्लाह ने कुरान उतारा, नेमत अजीम दी हमें किस्मत को संवारा। ऐ मोमिनों अदा सभी रोजे किया करो, अल्लाह के हुजूर में सजदा किया करो। ना जाने कब अनीस वो किस्मत संवार दे, सवार दे।